BGT News, सच की तलाश में बढ़ते कदम। सहारनपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजल रहमान ने बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा और कांग्रेस के इमरान मसूद को पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ना तो मोदी लहर का फायदा उठा पाए और न ही कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद ही मुस्लिम वोटरों को रिझाने में कामयाब रहे। नजर आए तो सिर्फ फजलुर्रहमान। ऐसी क्या वजह रही कि इमरान मसूद और राघव को मार देकर हाजी फजलुर्रहमान सहारनपुर के सांसद बन गए? आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं हाजी फजलुर्रहमान की जीत के बड़े कारण। फजलुर्रहमान बढ़िया आदमी है और हमारे जो सांसद थे वो किसी काम के नहीं, काम करके राजी नहीं थे। बस यही वजह है, जब कोई क्षेत्र में काम नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। फजलुर्रहमान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट मिला, बहुत बढ़िया आदमी बेचारा। बस और इमरान मसूद के बारे में कहते हैं जी, वो तो बस वो तो नेतागिरी दिखावे यार, बदतमीजी करता है और कुछ नहीं बस। इसकी मेन वजह बीजेपी में आपसी गुटबाजी है और दूसरा ये है कि सहारनपुर की जनता एक नया बदलाव चाह रही थी। एक नए सांसद आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सहारनपुर की जनता की सहायता में खड़े उतरेंगे और सहारनपुर की जनता के दिलों पर राज करेंगे। बहुत हम सबकी युवाओं की ओर से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं। बस सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भाई दोनों ही जगह इकट्ठे हो गए और मैंने तरफ वोट दे दिया बस, और क्या यही है बस, और क्या, और तो इससे बड़ी कोई वजह नहीं है। और इमरान मसूद वोट नहीं काट पाए, उनको इसके साथ चमार थे, मायावती थी, पति पति थे, कई थे, मुलायम सिंह था। इमरान फिर भी 2 लाख वोट ले गया हारने के बाद भी। कैंडिडेट अच्छा है। दूसरा ये है कि इमरान मसूद का जो वोट बैंक था वो उसकी बड़बोलेपन की वजह से जो है वो उसकी हार का कारण है। तीसरे नंबर थोड़ी बहुत भाजपा के अंदर आपसी कलहबाजी है जिस वजह से फजलुर्रहमान की जीत हुई। हमारे हिसाब से वजह रही है, एक तो बहुत अच्छे लीडर हैं और साफ छवि के आदमी हैं और आगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि काम भी करेंगे और काम भी कर रहे भी हैं, क्योंकि हमारे कई काम थे अब तक उन्होंने निपटाए। इमरान मसूद तो एक ऐसा इंसान है जो सोचता है सिर्फ मैं राजनीति में रहूं, जो अच्छा आदमी दिखता है उसे उसी की वो काट करता है। आज तक इसीलिए उन्होंने किसी को बढ़ने नहीं दिया, बढ़ने भी कैसे देता, कि वो चाहता ही नहीं कोई राजनीति में बढ़े। और अज्जी जी की ये बात है, वो अच्छे आदमी है, शुरू से आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, पहले से उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सेवा करनी है और सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे थे वो। फजलुर्रहमान जी के जो मेन जो है उनकी छवि है, छवि के आधार पर ही सर समाज ने उनको वोट करा है और सहारनपुर जिले सहारनपुर की जनता अब बदलाव भी चाह रही थी कि नया सांसद कोई और हो, क्योंकि पूर्व में जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जनता त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने नया कैंडिडेट चुनकर हाजी फजलुर्रहमान साहब को एमपी बनाने का काम किया। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो हमने नया सांसद चुना है वो पूरे जिले के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस समाज ने, जिस वर्ग ने उनको एमपी बनाया है, उन सबका कंधे से कंधा मिलाकर उनको चलने का काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में उनको फिर दोबारा पुनः अगर वो कार्य करेंगे तो जनता फिर उनको पुनः एमपी बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। मेरे हिसाब से मेन वजह यही रही कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ है सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का। अपनी एक उनके अंदर एक ख़ास ये है कि गरीब और बेसहारा मजलूम लोगों के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं, मदद के लिए उनके 24 घंटे दर खुले हुए हैं। ये उनकी एक बहुत जीतने की एक मेन वजह रही है। भाई इमरान मसूद की तो हमेशा यही वजह रहती है कि किस तरह यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को हराया जावे। अपने सामने आज तक उन्होंने किसी को जो है विजय होने की उनकी कोई भावना ऐसी नहीं रही कि वे जिता दें। उनकी तो ये वजह हमेशा रहती है कि मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जाए यहाँ से, बस हम ही रहें
और ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो जाए बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कभी। जी वो बड़े आदमी हैं और गरीबों की मदद करते हैं, सबका साथ कर लेकर चलते हैं। इमरान मसूद वोट नहीं काट पाई है, बड़ी वजह नहीं मानता। जी वोट काटते हैं मगर इस बार चुनाव में बहुत कम वोट मिले हैं। फजलुर रहमान जी का हमने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं पहले से ही, और इसके मेन वजह जो है आप जो हमारे पिछले MP श्री राघव लखनपाल शर्मा जी है उनको जिले में काम ना करना, लोगों के काम ना आना, इसलिए जनता उनसे रुट हुई है। मेन कारण ये है उनकी हार का, और फजलुर जी को जिताने का कारण शहर की पब्लिक बदलाव चाह रही थी और काम अच्छा करेंगे ये उम्मीद के साथ उनको जिताया गया। एक तो प्यार और उनका जो व्यवहार है लोगों को बहुत पसंद आया, और एक नहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है। शहर के अंदर उनका नाम इसी वजह से जाना जाता है, और उनकी जीत की वजह भी यही है। एक तो प्यार मोहब्बत लोगों को आगे लेके चलना, और मतलब बहुत ही एकजुट करके जो लोगों को लेके चल रहे हैं। क्या एक वजह ये नहीं है कि इमरान मसूद और जवान मुस्लिम वोट नहीं काट रहे? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। हाजी जी के मतलब एक अच्छे इंसान है, लोगों ने एक अच्छा इंसान समझ के उनको वोट दिया है और जिता है। बस ये गठबंधन प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी दोनों इकट्ठे हो गए। जो इनका वोट जो डिवाइड होता है वो दोनों का इकट्ठा हो गया। दूसरे ये है हाजी फजलुर रहमान काफ़ी साफ छवि के प्रत्याशी थे, इसलिए लोगों की पसंद रहे, और उम्मीद भी उनसे यही है कि काफ़ी अच्छा जो है वो विकास करेंगे और लोगों की जो है काम में हाथ बटाएंगे। फजलुर रहमान के ये जीत के कारण है, एक तो इनका गठबंधन हुआ एक नंबर, दूसरा नंबर यह है कि एक तरफा इनके जैसे चमारों के और इनके मोमडनों के सबके वोट पड़े, दूसरा तीसरा लखनपाल का हारने का ये नंबर है कि वो कहीं गया नहीं, उसको वोट मिलती कितने से ज़्यादा 20,000-22,000 से आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी अपनी गलती के कारण है। हम उसके कार्यकर्ता हैं लेकिन हमने वोट मोदी को दी, लखनपाल को नहीं दी। वो असल में वोट ज़्यादा तकसीम नहीं हुआ है, और वो अपनी ज़ात से बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, उसकी वजह यही रही है कि, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लोगों के काम आएंगे और सहारनपुर की तरक्की में उनका योगदान रहेगा। पुराना सांसद BJP का अच्छा नहीं था, फजलुर रहमान अच्छे आदमी हैं इसलिए सांसद बन गए।